सर गहलोत जी खुल के मंच पे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आए कि मैं देखना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं नौरियों को आगे करूंगा, कल ही नतीजे नक्शा पलट जाएगा। मगर मोह छूटे और ये मोह जो है ये शराब के नशे से ज्यादा नशा होता है इसका। आने दीजिए युवाओं को, आप दुकान पर बैठेंगे वो डोकरा पीछे बैठ जाता है, नया जवान आदमी आगे बैठ जाता है, देखता है कि दुकान सही चला रहा है पर चुपचाप बैठा रहता है। ये व्यवस्था है, नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आपकी मंच के माध्यम से फिर ये बात बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो पायलट अपनी जगह है, हम अलग अलग इंडिविजुअल हैं, एक बात बोल रहे हैं, बात वही जो कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पायलट साहब अपनी बात कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, मुझे जो सही लग रहा है उसको बोल रहा हूँ और बोल नहीं रहा, दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ और इसके लिए लड़ूंगा। कोई कितना ही बड़ा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती नहीं करता, गलती करते हैं लोग, समझदार वो है जो गलती करके अपनी गलती को मान लिया। मैंने कहा 20 तारीख को आइएगा, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा। अब मुख्यमंत्री जी आते नहीं आते तो मुख्यमंत्री को बता। डोटासरा जी ने कहा है, धंधावा जी ने कहा है और कोई भी नहीं आता, ये तो कार्यक्रम तो भरत सिंह करेगा। मैंने ये कहा है कि ज़्यादा परीक्षा नहीं ली जाए हमारी, क्योंकि जो हमने कहा है वो तर्कसंगत बातें हैं। जब 19 जिले को एक फटकार में मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो एक गांव को जोड़ने में क्यों तकलीफ आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो आप उनसे चर्चा करके अवश्य बात करें। ये मैंने डोटासरा जी से भी कहा है और अंदावा साहब से भी कहा है, दोनों ने बात ध्यान से सुनी है और राजस्व मंत्री जी भी मिल गए थे अभी हमने, तो वो मुस्कुराने के अलावा कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। रत सिंह जी, जो आपने इश्यूज़ पिछले दिनों उठाए हैं वो जब सरकार के संज्ञान में है तो उनके समाधान नहीं होने के चलते क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमज़ोर होगी क्या प्रदेश? नहीं, कांग्रेस के कमज़ोर और मजबूत होने का प्रश्न नहीं है, बुनियादी इश्यूज़ हैं जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। इससे कोई हो जाएगा रिजॉल्व तो मजबूत हो जाएगी स्थिति, ऐसा नहीं कह रहा मैं जी। मगर कोई चीज़ जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कभी गलती से अपन के मंदिर में पूजा करने के जूता खोला, अब जूते पहनते हैं तो गलती से बाएं पैर का जूता दाहिने में पहन लेते हैं, पर पैर अंदर जाते ही मालूम पड़ जाता है कि गलती कर गए, वो सही कर लेते हैं। तो ये गांव जो गलती से 8 किलोमीटर कोटा ज़िले में है और जहां अवैध खनन होता है उसको नहीं जोड़ते है, तो इसका मतलब ये है कि अवैध खनन होए, मैं तो यही मानता हूँ। और करप्शन का एक इशू है आपकी पार्टी के नेता, करप्शन तो हमारी पार्टी ने, करप्शन तो वो जो गहलोत साहब कह रहे हैं वो भी तो सही कह रहे हैं कि वो संजीवनी वाला वो क्या है, करप्शन नहीं है। और हम तो कोटा वाले जानते हैं कि जो सर्वोच्च पद पर दिल्ली में बैठे हैं वो कोई ईमानदार लोग आपको नहीं है, प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखते हुए तो वो एक अलग बात है, हमें तो दिखता है। नहीं, आपने बुनियादी बात की कही सर, आपने भी करप्शन का इशू उठाया एक तरीके से। अरे करप्शन का तो बोलता ही रहता हूँ, मैं फिर बोलूंगा करप्शन का तो, मैं खुले मन से बोलता हूँ, लिखता रहता हूँ। उधर पायलट भी यही बात उठा रहे हैं कि बुनियादी चीजें पूरी होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो पायलट अपनी जगह है, हम अलग अलग इंडिविजुअल है, एक बात बोल रहे हैं, बात वही जो कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पायलट साहब अपनी बात कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं न तो किसी के खिलाफ हूँ न किसी के पक्ष में, मुझे जो सही लग रहा है उसको बोल रहा हूँ और बोल नहीं रहा, दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ और इसके लिए लड़ूंगा। कोई कितना ही बड़ा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती नहीं करता, गलती करते हैं लोग, समझदार वो है जो गलती करके अपनी गलती को मान ले, और जब वो नहीं मानता तो ये अहंकार का प्रतीक होता है, ये मेरा मानना है। 20 तारीख के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा किसको? 20 तारीख के कार्यक्रम में चिट्ठी लिखूंगा, मैं समय मांग रहा हूँ उनसे, समय देना तो उनके हाथ में, मांगना मेरे हाथ में, मैंने मांगा है, समय देंगे जरूर आमंत्रित करूंगा। मगर आप मुख्यमंत्री जी की पूछ रहे हैं तो मैंने सचिन पायलट जी से जरूर बात करी, मैंने कहा 20 तारीख को आइएगा, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा, अब मुख्यमंत्री जी आते नहीं आते तो मुख्यमंत्री को बता। डोटासरा जी ने कहा है, धंधावा जी ने कहा है और कोई भी नहीं आता, ये तो कार्यक्रम तो भरत सिंह करेगा। आपके जो इशूज हैं पार्टी के भीतर के भी बहुत सारे इशूज में, वो चिट्ठी लिख के कर रहे हैं। अभी मैंने एक सड़क को लेकर जो है, अभी भजनलाल जी मिल गए थे मेरे को, एक टोल सड़क थी। दुर्भाग्य यह है कि मेरे को वो काम करना पड़ रहा है जो बीजेपी के विधायक को करना चाहिए और बोलना चाहिए, या उनके बोल ही नहीं पाते, बीजेपी में तो दम ही नहीं है कि सड़क पर आकर कोई सही बात करे। हम तो कांग्रेस में होकर सांस करते हैं और अपना हमारी पार्टी की बात को बोलते हैं, और ये कांग्रेस ही पार्टी है
जो भरत सिंह बोलता है उसको सुनता है और उसके साथ तसल्ली के साथ जवाब देते हैं। बीजेपी में तो मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, कोई चू नहीं करता बीजेपी में। हम तो बोल रहे हैं कांग्रेस में, और हमारे को गंभीरता से सुनते हैं। इस कांग्रेस पार्टी की ये ताकत है कि हम बोलने की हिम्मत रखते हैं, और वो सुनने का जो है उनका वो है और वो सुनते हैं। बीजेपी में नहीं है ये बात, सुनने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन उल्टा पत्र लिखने तक की नौबत आ गई आपको? अरे वो जैसे समझ में आए, तो बहुत बार जो विद्यार्थी पढ़ाता है, कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो उसको अलग तरीके से समझाता है, एप्पल समझ में नहीं आता है तो एप्पल बना के बताता है, तो तरीका है समझाने की। सर चुनाव में हार जीत की बात चल रही है, अरे ये फाइल भरी हुई, बहुत जवाब मिलते हैं, बहुत काम हुए हैं, बहुत चीजों में काम करने में दिक्कत आती है। सर चुनाव को राजी रखना हो, गलत आदमी को राजी रखना हो तो जहर पीना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी तो नीलकंठ से जहर पीते रहते हैं। सर आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, फॉर्मूले भी अंदर पूछे जा रहे हैं, क्या रहेंगे, क्या एक एज के बाद नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए क्या उनको? नहीं, ये तो ऐसा है, ये माया है, माया छूटती नहीं है, किसी को सुझाव देने से नहीं छूटती। ये तो जैसे मेरे को किसी ने सलाह थोड़ी दी कि चुनाव मत लड़ो, ये तो मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को आगे आने दूंगा। पर ये बात मैं मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि क्यों आपके बेटे को आगे करो, MLA बनाओ, वो सही है, पर नए लोगों को आने दो, आगे आने दीजिए युवाओं को। आप दुकान पर बैठेंगे वो डोकरा पीछे बैठ जाता है, नया जवान आदमी आगे बैठ जाता है, देखता है कि दुकान सही चला रहा है पर चुपचाप बैठा रहता है। ये व्यवस्था है, नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आपकी मंच के माध्यम से फिर ये बात बोल रहा हूँ, मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए बड़े लोगों को, कह रहा हूँ ना, मैं खुद बोल के मैं भाषण दूँ और बोलूँ और मैं खुद करके दिखा रहा हूँ कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, नए को आगे। सरकार आपको रिपीट होती दिख रही है जिस तरह का माहौल है उसमें, मेरे सुझाव पे चलेगी तो जरूर रिपीट करेगी। सर गहलोत जी खुल के मंच पे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आए कि मैं देखना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, नवयुवकों को आगे करूँगा, कल ही नतीजा नक्शा पलट जाएगा। मगर मोह छूटे और ये मोह जो है ये शराब के नशे से ज़्यादा नशा होता है इसका। और एक मिशन को लेकर मैं आया था कि 20 अगस्त जब राजीव गांधी जी का जन्मदिन है उस दिन हम बारा में दरा में यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी जी ने विश्राम किया था, वहाँ पर हमने एक राजीव पार्क विकसित कर रखा है और इस भारत जोड़ो यात्रा का पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं कोई स्थायी निशान बचा है तो वो सांगोद विधानसभा की दरा में एक शानदार पार्क के रूप में हमने स्थल को विकसित किया है। और 20 अगस्त को कांग्रेस की एक बड़ी सभा उस स्थल पर करने का आयोजन करने का हमने कल सांगोद में मीटिंग करके तय किया था, और उसी संदर्भ में मैंने रंधावा साहब से बात करी और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करी है कि 20 अगस्त को वो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मगर अभी 20 अगस्त दूर है, उस बीच में गंगा में काफ़ी पानी बह जाएगा, क्या परिस्थितियां बनती है उस समय पर, यह मीटिंग एक बड़ी कांग्रेस की होगी और जिसमें झालावाड़ बारा और कोटा के बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भाग लेंगे। इसी बीच इस यहाँ आया तो प्रदेश के अध्यक्ष जी डोटासरा जी, उनसे भी मेरी बात हुई और उन दोनों ने अलग अलग जब बात हुई तो डोटासरा जी ने भी कहा कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लूँगा। तो अब देखते हैं कि 20 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें कितनी संख्या में लोग भाग इकट्ठे होंगे, मगर ये तय है कि कोई आए या नहीं आए, एक बड़ी सभा कोटा में हम 20 तारीख को राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर करेंगे। पिछले साल भी क्या था और इस साल धूमधाम से करेंगे, यही मेरे आने का मकसद था। और मुझे प्रसन्नता है कि दोनों ने हारी भरी करवाएंगे।